ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं पर कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु एक पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा एक स्त्री की रचना होती है। उनसे कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाओ। उनके दो पुत्र तीन पुत्रियां होती है, देहूति प्रस्तुति आहूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया जाता है, उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से होता है पर संतान नहीं होती, तो उस कारण दूसरा विवाह किया जाता है सुरुचि नामक कन्या से, अत्यंत सुंदर। उसकी सुंदरता ऐसी कि उसके आगे राजा सब कुछ भूल जाए। अब समय ऐसा देखिए क्या लीला है भगवान की। यहां पर सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई, दोनों को बालक होते हैं। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। अब यहां पर धीरे धीरे राजा का झुकाव सुरुचि के तरफ बढ़ता गया। एक बार युद्ध से जीत कर लौटते हैं, सबसे पहले पहली पत्नी के पास आते थे पर इस बार सीधा सुरुचि के पास गए। सेवकों से कह दिया कि कमरे के अंदर किसी को भी आने मत देना। अंदर राजा सुरुचि उत्तम सब बैठे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है पिता युद्ध से जीत कर आए हैं। वो दौड़ते हुए आता है, पूरे राजमहल में आवाज, पिताश्री पिताश्री पिताश्री। सेवकों ने रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकता, मुझे पिता महाराज से मिलना है। बोले उन्होंने ही मना किया, किसी को भी अंदर नहीं आने को कहा। अब हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड देंगे। ध्रुव जी कहते मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा लूंगा, मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सेवक को भी कह लगा कि अपना बेटा है क्यों डांटेंगे हमें, तो वो जाने देते हैं। ध्रुव जी अंदर जाते और दौड़कर सीधा पिता की गोद में बैठते। अब सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठा है। उसको मानो भविष्य दिख रहा है कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है। उसको इतना क्रोध आया, उसने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और नीचे धकेल दिया। राजा एक बार के लिए खड़े होते हैं पर सुरुचि को देखकर फिर बैठ जाते हैं। ध्रुव जी कहते आप इतना बदल गए, विश्वास ही नहीं होता। पहले आप सबसे पहले माता के पास आया करते थे, आज आप उनसे मिलने तक नहीं आए। सुरुचि ने कहा अपनी माता से जाकर पूछ क्यों नहीं आए। अब वो कहे आप भी माता है, आप ही बता दीजिए। बोले क्योंकि ये महाराज है, महाराज महारानी के पास आते हैं कि दासी के पास आते हैं। अब ध्रुव जी कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम। ध्रुव जी कहते उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी हो। अरे मुझे तो बस पिता महाराज की गोद में बैठना है। बोले गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना तुझे मेरी कोख से पैदा करे। ठीक है, डांट कर भेजा देती है। अपनी माता के पास गए, अब रो रहे हैं। अब माता एक बार दो बार तीन बार चुप कराती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर वो चुप ही नहीं हो रहे। तो अंत में माता भी झुंझला उठी। माता ने झुंझलाहट में कहा कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, बैठने के लिए रो रहा है। अरे बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता। अब दो बार ये नाम सुन लिया। अब वो कहे ये भगवान विष्णु कौन है, मुझे इनसे मिलना है। माता ने कहा ये ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। अभी तो छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे वन भेजूंगी। ये कहकर वो सुला देती है पर उसको नींद कहाँ है। अब धुन बैठ गई, वो मध्य रात्रि में उठता है, माता के चरणों का स्पर्श करके वन की ओर निकलता है।
अब वो वन में ढूंढ रहा है। भगवान डर गए, जंगल में तो जंगली जानवर है, डकैत है। तो भगवान ने नारद जी को भेजा। भगवान कहते उसके साथ रहो, उसके साथ रहो। नारद जी जाते हैं। नारद जी ने कहा, रे पुत्र कहाँ घूम रहे हो, अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। ध्रुव जी कहते, आप कौन? नारद जी ने कहा, मैं नारद हूं। अब उन्होंने बहुत सी कहानियां सुनी थी, तो वो कहे, अच्छा नारद जी, आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी कहते, हाँ जानता हूं। बोले, मुझे उनसे मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा, तुम जीवित नहीं मिल सकते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कोई जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे जीवित मिलना है। अब वो थोड़ा सोचते हैं, फिर ध्रुव जी कहते, अच्छा मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले, मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, वो तो मुझसे मिलने आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते, करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब नारद जी कहते हैं, तो कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 नमो। अब यहां धीरे धीरे ध्रुव जी की तपस्या और कठिन होती जा रही है। नारद जी कहते हैं, अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहो। अन्न त्याग देते हैं। फिर कुछ समय बाद कहते हैं, फल त्याग दो, केवल जल पर रहो। फल त्याग देते हैं। फिर कहते हैं, जल भी त्याग दो। अन्न फल जल सब त्याग दिया। ठीक है, एक पैर पर खड़े हो गए, छोटा सा बच्चा, पर दृढ़ता देखिए उसकी, एक बार शिकन नहीं आई है चेहरे पर। नारद जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब नारद जी ने कहा, ये अंतिम पड़ाव है, ये कर दिया तो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो। ध्रुव जी कहते, क्या करना होगा? बोले, अपनी सांसें रोक लो। ध्रुव जी ने बिना कोई प्रश्न किए अपनी सांसें रोक ली। वो सांस रोकते हैं कि पूरा वायुमंडल शून्य हो गया। देवी देवता भगवान के पास जाते हैं, अब उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब उसको दर्शन दे दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान उनको उठाते हैं कि देखो पुत्र, मैं आ गया। अब उन्होंने देखा तो है नहीं भगवान को कभी। ध्रुव जी कहे, आप कौन? भगवान कहते, अरे मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। अब वो इतने खुश हुए। देखिए, कोई भी भक्त है, अगर भगवान सामने आ जाए तो क्या करेंगे बताइए? एक साधारण भक्त है, उसने तपस्या करी, भगवान सामने आए तो क्या करेंगे? हाँ, हाथ जोड़ेंगे और रोएंगे और पैरों का स्पर्श करेंगे, दंडवत करेंगे, है ना, यही करेंगे। पर एक समझदार में या बड़े में और एक छोटे बच्चे में फर्क होता है। उनको इतनी खुशी हुई, एक तो इतने दिन भूखे प्यासे तपस्या कर रहे हैं, जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं वासुदेव, ध्रुव जी भगवान को गले लगा लेते। उनको इतनी खुशी हुई कि ये आ गए। भगवान को गोद में उठाकर बिठाते हैं। भगवान कहते, कहो क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। भगवान कहते, कौन से प्रश्न? बोले, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने इतनी बातें की। अरे भगवान कहते, अरे अरे अरे,
एक साथ इतने प्रश्न, थोड़ा धीरे। पहला प्रश्न करो जिसका उत्तर तुमको सबसे पहले जानना है। ध्रुव जी कहते हैं, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते, तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं, कुछ नहीं कहते, पर हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती, ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता। भगवान कहते, और कुछ जानना है? बोले, नहीं, सारे उत्तर मिल गए। यानी जो बात उनकी माता उन्हें समझा रही थी कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, भगवान ने वो सच उसके सामने रख दिया। ये सब कुछ रिश्ते नाते संसार, ये सिर्फ कुछ समय का है। सत्य क्या है भगवान ने वो दर्शा दिया, और वो सत्य खुद भगवान है। और जिसके सामने भगवान खड़े हो गए, अब उसको किस और चीज की जरूरत है? तो भगवान कहते, और कुछ जानना है? बोले, और कुछ नहीं जानना, सारे उत्तर मिल गए। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं।